नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे को लेकर एक तरफ जहां दुश्मनों की नींद हराम है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद जहां आपको गर्व होगा, वहीं दुश्मनों के दिल में उठी बेचैनी दोगुनी हो जाएगी। पहले आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, परिवार के साथ किस तरह गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बाकायदा बैठकर बात कर रहे हैं। कश्मीर दौरे पर गए अमित शाह की यह तस्वीर हर मायने में अहम है। बता दें कि दौरे के पहले दिन अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद अधिकारी परवेज अहमद के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शहीद परवेज अहमद की पत्नी से मिलकर उन्हें दिलासा दिलाई और साथ ही सरकारी नौकरी के कागज भी दिए। बता दें कि शहर के नौगाम इलाके में इसी साल जून के महीने में आतंकवादियों ने परवेज अहमद की हत्या कर दी थी। वहीं अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर को ट्वीट करते हुए बाकायदा लिखा, आज मैं शहीद परवेज अहमद डार के परिजन से मिला और उन्हें सांत्वना दी। मुझे और राष्ट्र को उनकी बहादुरी पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी के नए जम्मू कश्मीर के सपने को सच करने के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि परवेज अहमद डार CID ऑफिसर थे। परवेज अहमद 22 जून को नमाज पढ़कर लौट रहे थे, तभी नौगांव में उनके घर के पास आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिसमें वो शहीद हो गए थे। चलते चलते आपको बताते चले कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद शाह की यह पहली कश्मीर यात्रा है। शाह के घाटी दौरे से पहले पूरे कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बहरहाल, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।